मतलब ये कि नबी पाक अगर जिंदा हैं तो फिर सहाबा ने दफन क्यों किया? मैंने कहा सारी छोड़ दें आप, शहीद जिंदा होता है? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जितने कायनात में शहीद हुए दफन किया कि नहीं किया? इसका जवाब दो मुझे, कुरानी मजीद दो जवाब, कुरानी मजीद है ना, कुरान से जवाब दिया, मैंने कुरान से जवाब। अब कोई मैदान में निकल के बात करे, खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? यानी इतना बुग्ज कि नबी पाक के बारे में ये सारे सवाल किए जा रहे, हालांकि शहीद का रुतबा कम है और नबी का ज्यादा है। तो जब कम रुतबे वाला जिंदा है तो जिसका सब नबियों से भी ज्यादा है, फिर वो क्यों नहीं जिंदा है? समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा दूसरी बात, मैंने कहा ये मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूं कि तुम कहते हो कि जिंदा थे तो फिर दफन क्यों किया? मैंने कहा जो मुर्दा होता है ना उसको आग लगाई जाती, किसी भूल में ना रहना, इस बात को नोट किया जाए। जिनके मर जाते हैं वो आग लगाते हैं अपने हाथों से, हम जो दफन करते हैं ना वो जिंदा समझ के करते हैं। कहते मौलाना वो कैसे? सुन लीजिए, और यार मुझे बताओ अगर जिंदा नहीं है तो कब्र में उठ के सवालों के जवाब कौन देता है? बताओ ना मुझे, ये सिर्फ इतनी देर तक ही मौत का हुक्म है कि जब तक सांसें बांधे हमने कब्र के सिपुर्द नहीं कर दिया, अल्लाह की रहमत के सिपुर्द नहीं कर दिया।